हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हीट के आज के इस लेक्चर में हमें दो बहुत अच्छे टेक्निकल न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। और न्यूमेरिकल्स कैसे होंगे, हम आइस वाटर और वाटर वेपर्स को मिक्स करेंगे तो थर्मल इक्विलिब्रियम पे मिक्सचर फाइंड आउट करेंगे और थर्मल इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर वो भी फाइंड आउट करेंगे। अगेन मेथड वही रहेगा जो कि प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था, ठीक है। मेथड बिल्कुल वही रहेगा प्रीवियस लेक्चर वाला। तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल, इसमें क्या गिवन है, मेरे पास 100 ग्राम आइस है -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, ठीक है। 100 ग्राम आइस है -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे और 200 ग्राम वाटर है 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, ठीक है। 200 ग्राम वाटर 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे है और मेरे पास स्टीम है, मतलब वाटर वेपर्स, 100 ग्राम स्टीम है 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। 100 ग्राम स्टीम 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, ठीक है। अब मैं इन तीनों को मिक्स करूंगा तो इनके बीच में हीट एक्सचेंज होगी और थोड़ी देर बाद में वो हीट एक्सचेंज होनी बंद हो जाएगी, ठीक है। तो फाइनल मिक्सचर फाइंड आउट करना एट थर्मल इक्विलिब्रियम, फाइनल मिक्सचर एट थर्मल इक्विलिब्रियम वो क्या होगा, ठीक है। अब सोल्व करते हैं। अगेन मेथड वही है लास्ट लेक्चर वाला, प्रीवियस लेक्चर वाला वही मेथड है, ठीक है। तो देखो आप इसको कैसे भी सोल्व कर सकते हो, केवल मेरी अप्रोच को फॉलो करना। मैं क्या अप्रोच लगा रहा हूं, प्रीवियस लेक्चर वाली ही अप्रोच होगी, ठीक है। तो देखो मैं अपने पास से ऐसे मान रहा हूं 200 ग्राम वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस, इसके साथ मैं अभी छेड़छाड़ नहीं करूंगा। आप इसको कैसे भी सोल्व कर सकते हो, केवल मेरी अप्रोच को फॉलो करना। तो अब देखो इसे 100 ग्राम आइस जो कि -50 डिग्री सेल्सियस पे है, इसको मैं 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे लाऊंगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली हीट देनी होगी क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा है। हीट एनर्जी दी कितनी, एम एस डेल्टा टी, एम 100 स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस वो कितनी होती है, 1/2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, इंक्रीज इन टेम्परेचर 50, तो इतनी कैलोरी हीट एनर्जी देनी होगी। तो ये किलो कैलोरी में कितनी आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आ जाएगी 2.5 किलो कैलोरी, ठीक है। तो मैं यहां पे ये जो 100 ग्राम आइस है -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, इसको मैं 2.5 किलो कैलोरी हीट एनर्जी दूंगा, तो ये 100 ग्राम आइस -50 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगी, ठीक है। अब मैं इसको और हीट एनर्जी दूंगा जिससे ये 100 ग्राम आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो ये फ्यूजन है ना, ठीक है। तो कितनी हीट एनर्जी देनी होगी, तो देखो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी होती है वाटर की, 80 कैलोरी पर ग्राम इंटू में कितने ग्राम है 100, तो इतने कैलोरी हीट एनर्जी देनी होगी। तो किलो कैलोरी में कितना आ जाएगा, ये 8 किलो कैलोरी, तो 8 किलो कैलोरी हीट एनर्जी दी, ठीक है। तो अब ये जो 100 ग्राम वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे है, इसको मैं 50 डिग्री सेल्सियस पे लाऊंगा, तो अगेन कुछ हीट एनर्जी देनी होगी, ठीक है। तो ये 100 ग्राम वाटर 0 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा, तो कितनी हीट एनर्जी देनी होगी, एम एस डेल्टा टी, मास 100 स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, इंक्रीज इन टेम्परेचर 50, तो इतने कैलोरी हीट एनर्जी देनी होगी। तो ये कितने किलो कैलोरी आ गई, डिवाइडेड बाय 1000, तो 5 किलो कैलोरी हीट एनर्जी देनी होगी 100 ग्राम वाटर जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे है। तो अगर मैं इसको 5 किलो कैलोरी हीट एनर्जी दूंगा
तो टेम्परेचर 0 से बढ़ के 50 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब मैं इस 100 ग्राम स्टीम जो कि 150 डिग्री सेल्सियस पे है, इसको मैं 100 डिग्री सेल्सियस पे लाऊंगा। 100 ग्राम स्टीम को 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे लाऊंगा, ठीक है। तो इसमें से हीट एनर्जी निकालनी होगी ना, हीट निकालनी होगी तभी तो टेम्परेचर डाउन आएगा। तो कितनी हीट एनर्जी निकाल ली, एम एस डेल्टा टी अप्लाई कर दो, मास 100, स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम 1/2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, डेल्टा टी डिक्रीज इन टेम्परेचर 50, तो इतनी कैलोरी, तो किलो कैलोरी में ये कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 2.5 किलो कैलोरी हीट एनर्जी निकाली, ठीक है। तो अब देखो ये जो 100 ग्राम स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे है, इस 100 ग्राम स्टीम को मैं वाटर में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। 100 ग्राम स्टीम अब वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा एट बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या वेपोराइजेशन की विपरीत ही तो है, वेपोराइजेशन का उल्टा, तो ऑब्वियसली हीट एनर्जी निकालनी होगी, कितनी निकालनी होगी। तो देखो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर वो कितनी होती है, 540 कैलोरी पर ग्राम, और ये कितने ग्राम, 100, तो इतने कैलोरी हीट एनर्जी निकालनी होगी। तो ये कितने किलो कैलोरी आ गया, 56 किलो कैलोरी हीट एनर्जी निकालनी। तो अब ये 100 ग्राम वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे है, इसको मैं 50 डिग्री सेल्सियस पे लाऊंगा। 100 ग्राम वाटर 100 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा, तो अगेन हीट एनर्जी निकालनी होगी क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो कितनी हीट एनर्जी निकालनी होगी, एम एस डेल्टा टी अप्लाई कर दो, मास 100, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, डेल्टा टी डिक्रीज इन टेम्परेचर 50, इतने कैलोरी हीट एनर्जी निकालनी होगी। तो ये कितने किलो कैलोरी आ गई, 5 किलो कैलोरी हीट एनर्जी निकालनी होगी, ठीक है। तो अब देखो मेरे पास 100 + 200 + 300 + 100 = 400 ग्राम वाटर है 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, 400 ग्राम वाटर है अब मेरे पास 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, ठीक है। तो अब देखो कितनी हीट एनर्जी दी, 2.5, और कितनी दी, 8 किलो कैलोरी में, और कितनी दी, 5, तो 8 और 5 13 और 2.5 15.5 किलो कैलोरी हीट दी टोटल नेट, और निकाली कितनी, 2.5 + 54 56.5 और 5 61 किलो कैलोरी हीट निकाली नेट। तो अब देखो मैं इन तीनों को मिक्स कर रहा हूं, तो इनमें हीट एनर्जी शेयर होगी, ठीक है। तो मतलब इस सिस्टम से ना तो सराउंडिंग में जा सकती हीट एनर्जी और ना सराउंडिंग से सिस्टम में आ सकती, तो एक तरह से नेट हीट एनर्जी दी किसके बराबर होनी चाहिए, नेट हीट एनर्जी निकाली के बराबर, लेकिन ये तो नहीं है। तो इसका मतलब देखो 61.5 - 15.5 46 किलो कैलोरी हीट एनर्जी देनी होगी अब यहां पे, ठीक है, 46 किलो कैलोरी हीट और देनी होगी इसको, तभी तो 40 और 15.5 - 61 हो जाएगा, ठीक है ना।
तो 40 किलो कैलोरी हीट एनर्जी और देनी होगी, ठीक है, इसको नोट में रखना, नोटिस में फोकस करना इस पे, 40 किलो कैलोरी हीट एनर्जी और देनी होगी अब इसको। तो अब देखो ये जो मेरे पास 400 ग्राम वाटर है 50 डिग्री सेल्सियस पे, थोड़ी देर के लिए देखो मैं एक विशेष चीज चाहता हूं, ये 400 ग्राम वाटर 50 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे चला जाए, ठीक है, तो इसको हीट देनी होगी, कितनी देनी होगी, कितनी देनी पड़ेगी, एमएस डेल्टा टी अप्लाई कर दो, मास 400, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, डेल्टा टी इंक्रीज इन टेम्परेचर 50, इतने कैलोरी, तो किलो कैलोरी में ये कितना आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1000, तो 2 और 1 3 3 0 से 3 0 कैंसिल ही आया, 20 किलो कैलोरी, ठीक है, 20 किलो कैलोरी। तो अगर मैं इसको 20 किलो कैलोरी हीट एनर्जी दूंगा ना, तो 400 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 50 से 100 पे चला जाएगा, और मुझे कितनी देनी है 46 किलो कैलोरी, तो 20 तो दे दो, तो 20 तो मैंने दे दी, अब बची कितनी, 46 माइनस 20 26 किलो कैलोरी हीट एनर्जी देनी बच गई, ठीक है। अब यहां पे इसको 26 किलो कैलोरी हीट एनर्जी और देनी होगी। तो देखो जब ये वाटर यहां पे 50 डिग्री सेल्सियस पे था, तो इसको कितनी हीट एनर्जी देनी थी, 46 किलो कैलोरी, 20 किलो कैलोरी दे दूंगा तो 50 से बढ़कर टेम्परेचर 100 हो जाएगा, तो अब कितने किलो कैलोरी हीट एनर्जी और देनी बचेगी, 26 किलो कैलोरी, ऑब्वियसली 46 माइनस 20 26 किलो कैलोरी। तो अब देखो यहां पे मैं एक और विशेष चीज फाइंड आउट करना चाहता हूं अलग से, ये 400 ग्राम वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे ही स्टीम में कन्वर्ट हो जाए, मतलब वेपोराइजेशन हो जाए यहां पे, तो कितनी हीट एनर्जी देनी होगी, इसको निकालो एक तरह से अलग से, 540 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है, और इनटू में 400, इतने कैलोरी देनी होगी, तो किलो कैलोरी में क्या हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा, ठीक है, तो ये आ गया चम्मन चौका 216 किलो कैलोरी। लेकिन क्या मेरे पास इतनी हीट बची हुई है 216 किलो कैलोरी, मेरे पास तो 26 किलो कैलोरी ही बची हुई है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा स्टीम में तो कन्वर्ट होगा नहीं, ठीक है, लेकिन 26 किलो कैलोरी तो फिर भी देनी बची हुई है। अब मैं 26 किलो कैलोरी हीट दूंगा, ठीक है, तो क्या होगा, कुछ वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा और कुछ वाटर बच जाएगा, और टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही, ठीक है, तो ये मेरा फाइनल मिक्सचर आएगा। अब तो मुझे ये निकालना है कि यहां पे कितने ग्राम स्टीम होगा और कितने ग्राम वाटर होगा। तो देखो मैंने यहां पे 26 किलो कैलोरी हीट एनर्जी दी है ना, तो कैलोरी में कितना हो जाएगा, 26000 इज इक्वल टू 540 कैलोरी पर ग्राम, क्योंकि कुछ वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा ना, कुछ वाटर का वेपोराइजेशन हो जाएगा, कुछ वाटर वाटर ही बच जाएगा, तो 540 कैलोरी पर ग्राम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इनटू, मैं मान लो एम नॉट ग्राम स्टीम है यहां पे, ठीक है, मतलब एम नॉट ग्राम वाटर स्टीम में बदल गया, एम नॉट ग्राम वाटर का वेपोराइजेशन हो गया, तो इनटू मैं एम नॉट, तो यहां से एम नॉट ये कितना आ जाएगा, यहां से 48.2 इसकी वैल्यू, ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे जो फाइनल मिक्सचर होगा इसमें स्टीम कितना ग्राम होगा, 48.2 ग्राम, और वाटर कितने ग्राम होगा, 400 माइनस 48.2 तो मतलब 351.8 ग्राम, ठीक है। तो जब मैं इन तीनों को मिक्स करूंगा,
तो हीट एनर्जी शेयर होगी इनमें आपस में, ठीक है, कुछ देर तक। और कुछ देर बाद जब इनमें आपस में हीट एनर्जी शेयर होनी बंद हो जाएगी तो फाइनल मिक्सचर क्या बनेगा, 48.2 ग्राम स्टीम और 351.8 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। तो थर्मल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल कुछ ऐसा ही है, टाइप बिल्कुल यही है, आइस होगी, वाटर होगा और स्टीम होगा। मैं तीनों को मिक्स करूंगा और फाइनल मिक्सचर फाइंड आउट करूंगा थर्मल इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। तो देखो ऐसे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने का तरीका यही है, अप्रोच ध्यान में रहे बस, अब कैसे भी सोल्व कर सकते हो वैसे तो। देखो सेकंड न्यूमेरिकल, इसमें क्या गिवन है, मेरे पास 200 ग्राम आइस है, ठीक है, -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, ठीक है, और 600 ग्राम वाटर है 50 डिग्री सेल्सियस पे, 600 ग्राम वाटर है 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, और स्टीम भी है, स्टीम मतलब वाटर वेपर्स, 100 ग्राम स्टीम है 120 डिग्री सेल्सियस पे, 100 ग्राम स्टीम एट 120 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो मैं इन तीनों को मिक्स करूंगा तो इनमें हीट शेयर होगी, ठीक है। तो कुछ देर बाद जब इनमें हीट शेयर होनी बंद हो जाएगी तो मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तो फाइनल मिक्सचर क्या होगा, और वो थर्मल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर भी फाइंड आउट करना, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो अप्रोच वही है, तरीका वही है, मैं अपनी तरफ से यहां पे क्या लेके चल रहा हूं, इस 600 ग्राम वाटर को 50 डिग्री सेल्सियस पे ही रहने देते हैं। वैसे आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। मेरे पास ऐसा मान लो 600 ग्राम वाटर 50 डिग्री सेल्सियस पे ही है, मैंने इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। वैसे आप इसके साथ छेड़छाड़ कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इस तरीके से सोल्व कर रहा हूँ इसको, 600 ग्राम वाटर 50 डिग्री सेल्सियस पे ही, इसके साथ मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं करी, ठीक है। अब देखो 200 ग्राम आइस है ये -10 डिग्री सेल्सियस पे, इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे लाऊंगा, 200 ग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो टेम्परेचर बढ़ा है तो ऑब्वियसली हीट एनर्जी देनी होगी। कितनी हीट एनर्जी देनी होगी, एमएस डेल्टा टी अप्लाई कर दो, मास 200, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस आधी कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, डेल्टा टी इंक्रीज इन टेम्परेचर 10, इतने कैलोरी, तो किलो कैलोरी में क्या आ जाएगी, ये 1000 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो 1 किलो कैलोरी आ गई, 1 किलो कैलोरी हीट एनर्जी दी। अब ये जो मेरे पास 200 ग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे है, इसको वाटर में कन्वर्ट कर दो, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही, मतलब ये क्या है, फ्यूजन, ठीक है, तो ऑब्वियसली हीट एनर्जी देनी होगी। कितनी हीट एनर्जी देनी होगी, तो देखो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी होती है, 80 कैलोरी पर ग्राम, कितने ग्राम है, 200 इंटू में 200, इतनी कैलोरी हीट एनर्जी देनी होगी, तो किलो कैलोरी में ये कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1000, तो ये कितना आ गया, 16 किलो कैलोरी हीट एनर्जी देनी होगी। तब ये 200 ग्राम आइस से 200 ग्राम वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी 0 डिग्री सेल्सियस पे ही एट फ्रीजिंग टेम्परेचर, यही तो फ्यूजन होता है। तो अब देखो ये 200 ग्राम वाटर जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे है, मैं इसको 50 डिग्री सेल्सियस पे लाना चाहता हूँ, ठीक है, 200 ग्राम वाटर 50 डिग्री सेल्सियस पे लाना चाहता हूँ, तो ऑब्वियसली हीट देनी होगी क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा है, तो कितनी हीट देनी होगी, एम एस डेल्टा टी अप्लाई कर दो, मास 200, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, डेल्टा टी इंक्रीज इन टेम्परेचर 50, तो इतने कैलोरी हीट एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी, तो किलो कैलोरी में ये कितना आ गया, डिवाइडेड बाय 1000 कर दो ना, तो आ गया 10 किलो कैलोरी,
तो 10 किलो कैलोरी हीट एनर्जी देनी होगी, तब ये 200 ग्राम वाटर 0 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो 50 पे पहुंचा दिया, अब इसकी बारी। इसे 100 ग्राम जो स्टीम है 120 डिग्री सेल्सियस पे, इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे ले आओ, ठीक है। तो हीट एनर्जी निकालनी होगी ना, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज किया मैंने, हीट एनर्जी निकालनी होगी। कितनी निकालनी होगी इसमें से? एम एच डेल्टा टी, सो स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम आधी कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस इंटू में डेल्टा टी, डिक्रीज इन टेम्परेचर 20, इतने कैलोरी। तो इसको किलो कैलोरी में कन्वर्ट कर दो, डिवाइडेड बाई 1000, तो ये आ गई 1 किलो कैलोरी। हीट एनर्जी निकाल ली, ठीक है। तो अभी ये मेरे पास 100 ग्राम स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पे है, अब मैं इसको वाटर फॉर्म में लाऊंगा, मतलब लिक्विड फॉर्म में। 100 ग्राम स्टीम 100 ग्राम वाटर में कन्वर्ट हो गया बॉइलिंग टेम्परेचर पे ही, तो ये क्या होगा? वेपोराइजेशन का विपरीत, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसमें से भी हीट एनर्जी निकालनी होगी। कितनी? तो देखो, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितनी होती है? 540 कैलोरी पर ग्राम, और ये कितने ग्राम है? 100। तो इसको किलो कैलोरी में कन्वर्ट करना, 54 किलो कैलोरी हीट एनर्जी निकालनी होगी, ठीक है। अब ये मेरे पास 100 ग्राम वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे, किस पे लाना? 50 डिग्री सेल्सियस पे। इसमें से कुछ और हीट निकालूंगा, तो 100 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 100 से 50 पे आ जाएगा जब मैं इसमें से कुछ और हीट निकालूंगा। कितनी निकालनी होगी? एम एस डेल्टा टी अप्लाई कर दो, मास 100, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, डेल्टा टी डिक्रीज इन टेम्परेचर 50, इतने कैलोरी। तो ये किलो कैलोरी में कितना आ जाएगा? डिवाइडेड बाई 1000, तो 5 किलो कैलोरी, ठीक है। तो अब देखो, मेरे पास 200 प्लस 600, 800 प्लस 100, 900 ग्राम वाटर है। कितने टेम्परेचर पे? 50 50 50, 50 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो अब देखो, मैंने टोटल कितनी हीट दी नेट? 1 और 16 17 और 10 27 किलो कैलोरी, नेट 27 किलो कैलोरी हीट दी। और निकाली कितनी टोटल? 1 और 54 55 और 5 60, तो नेट 60 किलो कैलोरी हीट निकाल ली। मैंने यहां पे एक्सटर्नली कुछ काम नहीं किया, ठीक है। ये तो मेथड है बस, हीट तो इनमें आपस में शेयर हुई है, ठीक है ना, सराउंडिंग में गई ना सराउंडिंग से सिस्टम में आई। तो इसका मतलब नेट हीट दी शुड बी इक्वल टू नेट हीट निकाली, सीधी सी बात है। तो देखो, ये तो यहां पे बराबर है नहीं, इसको बराबर करना पड़ेगा ना। तो हीट दी तो कम है हीट निकाली से, तो इसका मतलब हीट यहां पे और देनी होगी। कितनी? 60 माइनस 27, 33 किलो कैलोरी हीट और देनी होगी मुझे। ये एक्सटर्नली अगेन मैं कुछ काम नहीं कर रहा, ये सिस्टम के अंदर खुद पे खुद होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टार से डिनोट कर रहा हूं। अब इसको 33 किलो कैलोरी हीट एनर्जी और देनी होगी, ठीक है। तो अब देखो, मैं यहाँ पे एक विशेष चीज फाइंड आउट करना चाहता हूं। ये 900 ग्राम वाटर जो कि 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे है, इसका टेम्परेचर 50 से बढ़कर 100 हो जाए। 900 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 50 से बढ़कर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो ऑब्वियसली हीट एनर्जी मुझे देनी होगी। तो कितनी देनी पड़ेगी? एम एस डेल्टा टी अप्लाई कर दो, मास 900, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, डेल्टा टी इंक्रीज इन टेम्परेचर 50, इतने कैलोरी। तो डिवाइडेड बाय 1000 करोगे तो ये किलो कैलोरी आ जाएगा। तो कितना आएगा? 9 5 45, 3 0 से 3 0 कैंसल, तो ये आ गया 45 किलो कैलोरी।
अगर मैं इसको 45 किलो कैलोरी हीट एनर्जी दूंगा ना, तो 900 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 50 से बढ़कर 100 हो जाएगा। लेकिन हमारे पास कितनी देनी बची हुई है, 33 किलो कैलोरी, 33 तो 45 से कम ही है, ठीक है। तो ये बात पक्की है, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं जाएगा, 100 से कुछ कम ही रहेगा। और कितनी हीट एनर्जी दूंगा मैं, 33 किलो कैलोरी, ठीक है। तो एम एस डेल्टा टी अप्लाई कर दो, मान लो यहां पे टेम्परेचर होगा टी डैश डिग्री सेल्सियस, तो कितनी हीट दी, 33 किलो कैलोरी, इसको कैलोरी में कन्वर्ट कर लो, 33,000 कैलोरी इज इक्वल टू एम 900, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 ग्राम, सॉरी 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, इंटू माई डेल्टा टी इंक्रीज इन टेम्परेचर टी डैश -50, ठीक है। तो यहां से टी डैश की वैल्यू ये कितनी आएगी, यहां से टी डैश की वैल्यू ये आएगी 86.66 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसका मतलब जो मेरा फाइनल मिक्सचर होगा ना, वो 900 ग्राम वाटर होगा और कितने टेम्परेचर पे, 86.66 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल मिक्सचर है, पूरा का पूरा वाटर है यहाँ पे, और कितने टेम्परेचर पे, 86.66 डिग्री सेल्सियस पे, कोई आइस नहीं होगी, कोई स्टीम नहीं होगा, 900 ग्राम का 900 ग्राम वाटर है, और वाटर का टेम्परेचर कितना होगा 900 ग्राम वाटर का, 86.66 डिग्री सेल्सियस पे, ये फाइनल मिक्सचर है, ठीक है। एट थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कितना हो गया, ऑब्वियसली 86.66 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स को ऐसे सोल्व किया जाता है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।